यदि निस्वार्थ सेवा की बात करें तो चिरंजीव मल्होत्रा जी, आपने बहुत नाम कमाया है समाज में, जो आपने योगदान दिया है, चाहे वो एम्बुलेंस मैन के नाम से जब आप जाने जाते हैं, जब आपकी कोरोना में जो आपने सेवा दी है, पूरा हिंदुस्तान और पूरा दुनिया आपका आपका इज्जत करता है, सम्मान करता है, आपके बारे में सोचकर पूरी समाज को एक प्रेरणा मिलती है। आपने नया मुहिम छेड़ा है, गंगा और यमुना को अविरल करना है। इस वक्त सावन का महीना भी है, आप कई महीनों से आप और आपकी टीम लगी हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और आज जो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं विजन टेलीविजन की ओर से, हम आपको आज फेलिसिटेट करना चाहते हैं, जो आपने सेवा दी है समाज के लिए, अब सेवा समाज के लिए वो प्रेरणादायक वो मानव है। सबसे पहले मैं विजन टीवी का और आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे सम्मानित किया। देखिए, जो मुहिम है गंगा जी में तो अपने आप में सब कुछ आ गया। आप बाल संस्कार से लेके मुंडन संस्कार से लेके मरणोपरांत तक, आप हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मानता है कि अस्थियाँ प्रवाहित की जाएगी तो मोक्ष मिलेगा। कोई आप अच्छा काम करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, कोई धार्मिक काम हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, तो गंगा जी तो अपवित्र नहीं हो सकती। अपवित्र है मतलब जो आपकी मानसिकता है, आज के लोगों की मानसिकता अपवित्र हो गई है, जो कुछ ध्यान ना देकर गंगा जी के तटों पर जो इतनी गंदी दुर्दशा हो रही है, वो हमारे धार्मिक स्थल नहीं रहे, वो पूरी उनकी षड्यंत्र, मैं कह सकता हूँ लापरवाही नहीं षड्यंत्र कह सकता हूँ, लापरवाही यहीं पर होती है। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं गंगा जी के तटों पर इतनी दुर्दशा, पानी मतलब पार्किंग के अंदर पानी पीछा, ब्लैकनिंग ऐसे पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, गंगा जी के घाटों पर प्लास्टिक की बोटें, मानते हैं इसमें कि जो तीर्थ यात्री है उनका भी दोष है। लेकिन आप जिसका घर होगा वो अगर मुखिया वहाँ का सख्त होगा तो बाहर का आदमी घर कर नहीं कर सकता। वहाँ पर देखिए, आप किसी भी तट पर कोई सफाई का नाम नहीं है, कूड़े का बाहर। जागरूकता कितनी इम्पोर्टेंट है, आपने जो मुहिम चलाई है जागरूक करना, और सावन के माह से पहले आप लगे हुए थे, आपकी टीम लगी हुई थी गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार ऋषिकेश तक, तो क्या कितनी जागरूकता बढ़ेगी? तो शायद एक इम्पॉर्टेंट बात यह होगी कि लोग जागरूक होंगे तो शायद सजग होंगे, और सजग होंगे तो एक बार अपने आप जो एक कारवां आप लेके चले थे वो शायद मुहिम बन जाएगी। ऐसा है, आपने प्रश्न किया कि क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है कि गंगा जी की सफाई की। हमारा रोटी खाना जरूरी है, नहीं हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते, हम खाना नहीं खाएंगे हम जी नहीं सकते। उसी प्रकार अगर वहाँ पर वो गंगा जी नदी नहीं है, हिंदू धर्म की जान है, हिंदू धर्म की पहचान है, हमारी शान है, हमारा धर्म है, तो आप जाकर जैसे भूखे नहीं रह सकते, अगर गंगा जी के वहाँ पर अपमान होता है या सफाई नहीं होती है जो आप मान सकते, उसको अपमान ही कहूँगा मैं, तो वो सीधा सीधा हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात है। आप देखिए, हम गंगा जी जाते हैं, अभी मैंने कुछ वीडियो बनाई शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों में, सरेआम गंगा जी की के अंदर बियर नहीं होते, ठंड की बियर नहीं, वहाँ नॉन वेज सप्लाई किया जा रहा है गंगा जी के घाटों पे, इससे ज़्यादा हिंदुओं की क्या आप उठा रखा हो गया। उसके अलावा आप देखिए कितने बड़े गंदे नाले, मेरे प्रूफ है इसके, मैंने कई वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंगा जी के अंदर मुनि की रेती के अंदर 10 फुट का मैं नाला दिखा सकता हूँ जिसमें मल मूत्र गंगा जी में जा रहा है। अभी लाखों कबाड़िए करोड़ों कबाड़िए आए हैं, अगर उनको ये पता चले कि वो गंगा जल लेके आ रहा हूँ, इसमें गंगा जी में गंदे नाले भाई जाए तो क्या रहेगा। ये बात सच है, जो आपने बहुत बारीकियों से आपने पूरे गंगा प्रवाह क्षेत्र में आप घूमते हैं, काम करते हैं, आपके काम के बारे में बताएं, जो आपकी टीम काम करती है, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं और क्या निष्कर्ष आप निकाल पाते हैं सेवा के भाव के द्वारा। मैं तो सर सेवा हर प्रकार से करता हूँ, कई उसके हैं किसी काम से सेवा की भूमि कर सकते हैं, लेकिन गंगा जी ने मुझे सेवा का मौका दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूँ, पर मुझे विश्वास है कि एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे, आपके माध्यम से ये जागरूकता पैदा होगी। हम गंगा जी जो है ना, वो नदी है स्विमिंग पूल है, ना हरिद्वार पिकनिक स्पॉट है, ना गंगा जी स्विमिंग पूल है ना हरिद्वार पिकनिक स्पॉट है, वो एक हिंदुओं की आस्था का केंद्र है जहाँ बाल समय से लेके मरणोपरांत तक मोक्ष की कामना से लेके आप करोड़ों साल के इतिहास को झुठला नहीं सकते हैं। शिव की जगहों से माँ निकलती हैं, करोड़ों सालों से लोगों के पाप डाल दिए, उनको कुछ नहीं होगा, वहाँ गंगा जल तो निर्मल है, पाप मुक्त करता है लोगों को। लेकिन जो मानसिकता जो एक षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदुओं की
धार्मिक स्थानों को खराब करके उनकी भावना को उठाघात करा जा रहा है, ये षड्यंत्र कहूँगा। इसके लिए हमें सबको सोचना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। हम जागरूक होंगे, एक एक से हमें बात पड़ेगी, गंगा जी के घाटों की सफाई हो। मैं तो मोदी से हाथ पर विनती करता हूँ, मोदी जी ही कर सकते हैं काम। मोदी जी से विनती है आपके चैनल के थ्रू, माननीय मोदी जी आपने कई तीर्थ स्थलों का जो आपने कॉरिडोर बनाया है बहुत बड़ी बात की है। आपसे पुनः विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि एक हरिद्वार को भी कॉरिडोर क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, वहाँ पर मांस मदरा पूरा गंगा के किनारे पर पूरा प्रतिबंधित कर दिया जाए। नमामि गंगे काम कर रही है, लेकिन नमामि गंगे मैं कहता हूँ बहुत अच्छी योजना है, लेकिन वो कितना काम कर रही है उस पे सर्वेलेंस की जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो ये मैं सबके चैनल के माध्यम से सुनित है। चिरंजीव मल्होत्रा जी का ये कहना है कि शासन प्रशासन सरकार यदि इस गंगा को अविरल रखने के लिए और ज़्यादा सजग नहीं होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी, चिरंजीव मल्होत्रा जैसे लोग जो काम कर रहे हैं इस गंगा को सफाई के लिए, यमुना की सफाई के लिए, उनके बातों को और ज़्यादा प्रखर मिले और ज़्यादा बल मिले, सरकार उनके साथ जुड़े और सारे ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोग जो गंगा की सफाई और यमुना की सफाई से जुड़े हैं, क्योंकि ये आस्था का विषय है, आस्था सर्वोपरि है। जैसा चिरंजीव मल्होत्रा जी कहते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक गंगा हमारी जिंदगी के ये अविरल बहते रही है और सैकड़ों सालों से बह रही है और कई सैकड़ों सालों तक रहेगी। यदि गंगा के बारे में हम चिंतित आज नहीं हो, यदि गंगा के बारे को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए हम चिंता आज नहीं करेंगे, तो शायद गंगा अपनी अपनी छठा और अपनी जो एक अविरलता है उसको खोते रहेगी। चिरंजीव मल्होत्रा जी का ये भी कहना है कि गंगा माँ को कुछ नहीं होगा, गंगा नदी को कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मानव समाज को होगा, मानव समाज त्रस्त रहेगा, मानव समाज बहुत गंगा की छटा से महरूम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विद कैमरा पर्सन दीपक, प्रणव प्रखर, रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।